हेलो दोस्तों, मैं विवेक सिंह सुल्तानपुर यूपी से। मैंने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया हमने निसार सर से करवाई थी। दोस्तों, कहना मैं ये चाहता हूँ कि आवेदन से लेकर बैंक जाने तक, सब्सिडी आने तक की सारी प्रक्रिया को जहाँ भी हमें प्रॉब्लम हुई निसार सर ने बताया। जितनी बार हमने फोन किया या व्हाट्सएप मैसेज किया, निसार सर बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे टाइम पाते हैं उसके बाद तुरंत वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं हाँ यहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। दोस्तों, सिर्फ मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम अपने सुल्तानपुर जिले में आवेदन के लिए दो चार इंस्टीट्यूट पे गए। कहीं कहीं हमको ये बताया गया कि 30,000 रुपये लगेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये करने में, वो करने में। उसके बाद हमने बहुत से यूट्यूब पे सर्च किया, उसके बाद हमें निसार सर का यूट्यूब पे साइट मिला, उसी के तहत हमने निसार सर से संपर्क किया, सारी बातें की। उसके बाद उन्होंने बताया ये डॉक्यूमेंट लगेगा, हमने डॉक्यूमेंट दिया, जो इनकी लीगल फीस होती है उन्होंने बताया, उसको हमने दिया। दोस्तों, होता क्या है कि आवेदन करने के बाद आप कहीं आवेदन कराएंगे, आवेदन करने के बाद चाहे इंस्टीट्यूट वाला हो या कोई संस्था वाला हो, उसका वर्क खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है निसार सर के यहाँ। आवेदन किए, जहां हमको प्रॉब्लम होती है, जब प्रॉब्लम होती है हमको फोन किए। लेकिन आज तक इतने अच्छे इंसान है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि विवेक आपका काम हो गया, आपका हमने आवेदन कर दिया, आप इतनी बार फोन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चाहे मैसेज के माध्यम से या फोन के, हम तो फोन भी कर लिया करते थे, फोन के माध्यम से वो आपको संतुष्ट करेंगे, जो भी जानकारी आपको चाहिए जानकारी देंगे। मैं निसार सर को दिल से सलाम करता हूँ, बार बार सलाम करता हूँ, ऐसे इंसान बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों, बहुत हेल्पलेस इंसान है। मैं फिर से निसार सर को, जो भी मेरा हुआ है, ये लोन हुआ है, सब्सिडी आने वाली है, उस सब उसमें निसार सर का योगदान है। मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो सिर्फ क्या है कि जो उन्होंने लीगल फीस बोला, लीगल फीस दे दिया। लेकिन दोस्तों, बहुत हेल्पलेस इंसान है। आपको कोई भी इस तरह का काम करवाना हो, आप निसार सर से संपर्क करिए, कहीं भटकिए मत। दोस्तों, फिर से एक बार निसार सर को धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम बेरूलाल रेगर है, निवासी राजसमंद राजस्थान का हूँ। मैंने NLM में आवेदन किया है, जो मेरा फॉर्म पास हो चुका है। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कैंडिडेट फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट मैंने निसार इंडियन के द्वारा बनवाए हैं, जो मेरा फॉर्म पास होके मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार गाइस, हमारा NLM का फॉर्म पास होकर फॉर्म तैयार हो रहा है। बकरियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए प्याऊ भी बनाई गई है और ये काम चल रहा है। टीन शेड का काम है, टीन शेड लाए रखे हैं, टीन शेड डलने वाले हैं बहुत जल्द। और निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के जरिए निसार सर द्वारा हमारा फॉर्म तैयार हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के धार जिले से निवास करता हूं और मैंने NLM में फॉर्म डाला था और मेरा स्टेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से अप्रूवल भी आ चुका है और मैंने सर की सारी वीडियोएं देखी है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल पर। और मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मैं बहुत जगह भटका हूँ, लेकिन मुझे सही गाइडलाइन नहीं मिली। फिर सर से मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर से ही मैंने बनवाया और बहुत जल्द स्टेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से मेरा अप्रूवल भी आ गया है। सर का काफ़ी मुझे सपोर्ट रहा है। सभी को नमस्कार, मैं जिला सिरसा हरियाणा से, काम घोड़ा वाली है मेरा। मैं निसार इंडियन यूट्यूब चैनल है उसका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मैंने उस चैनल को देखे, बकरी पालन और भेड़ पालन के बारे में बहुत कुछ सीखा और निसार सर से ही मैंने सारे अपनी जो डॉक्यूमेंट थे NLM स्कीम के वो तैयार करवाए और बड़े ही प्रॉपर तरीके से उन्होंने तैयार किए। उसके बाद में मैंने जो भी उनसे गाइडलाइन मांगी उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करवाई। उन्होंने मेरे जो फॉर्म थे वो कंप्लीट करवा दिए। जैसे जैसे मैंने आगे प्रोसेस शुरू की, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया और आज एक मेरा जो फॉर्म है 200+10 वाला, वो कंप्लीट होके जिला स्तर पर आ गया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी मेरा प्रोजेक्ट है वो पूरा होगा। और मैं अन्य दूसरे जो साथी इस बकरी पालन और भेड़ पालन करना चाहते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि जो निसार इंडियन जो ट्यूब चैनल है उसमें सर की वीडियो देखो और जो सर कह रहे हैं उसके हिसाब से चलो, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बड़ा आसान काम है। यही है कि ज़्यादा चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं,
सर का वीडियो देखो और उसको फॉलो करो और जितने भी अपने साथी हैं उनको ये बताओ। मैं सर का एक बार फिर बोला धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप परिजा, जगत सिंहपुर उड़ीसा में रहता हूँ। कुछ महीने पहले यूट्यूब में निसार जी की वीडियो देखी थी, उसके बाद उसके साथ संपर्क किया। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ भेज दिए, उसके बाद ऑनलाइन में अप्लाई किया है। स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी परसों मुझे फोन किए, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव हो चुका है। मैंने निसार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसकी आभारी भी हूँ। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवराज उमनाबाद है, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। ठीक है, कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले मैंने निसार सर का वीडियो देखना शुरू किया, उनके पेड ग्रुप में भी मैं शामिल हो गया। बाद में मैंने उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, जैसे जैसे उन्होंने वादा किया था वैसे उन्होंने वक्त पे मुझे सर्टिफिकेट भी दिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दिया और मैंने सबमिट भी किया। ठीक है, तो खुशी की बात यह है दोस्तों, मेरा स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से अप्रूवल आ चुका है। ठीक है, तो अभी एक फाइल बैंक को जाएगा, एक फाइल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से अप्रूवल आ चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद निसार सर, आगे आपका ऐसे ही गाइडेंस हमें मिलता रहेगा, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमाम अहमद खान है, मैं मध्य प्रदेश में धार जिले में धर्मपुरी में रहता हूँ। तकरीबन 4-5 महीने से हम निसार सर के वीडियोज़ यूट्यूब पर देख रहे हैं। हमें लोन के लिए अप्लाई करना था, उसके लिए हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी। उसके लिए हमने निसार सर से बात करी थी व्हाट्सअप पे, सर ने हमें सारी चीज़ें बताई, सर से हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवाई है और सर से ही हमने फॉर्म फिलअप करवाया है ऑनलाइन। सर, जैसे ही सर ने फॉर्म फिलअप करके सबमिट किया, सेम डे ही हमारा स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी से अप्रूवल आ गया था। हम सर के लिए, उसके लिए सर को धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि सर ऐसे ही हमारे आगे भी मदद करते रहेंगे, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार कश्यप है, मैं मोहनपुर कोरबा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कुछ दिन पहले मैं निसार सर का वीडियो देखा था जिसमें मेरे को NLM योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। उसके अनुसार से मेरे को अपने वादा के हिसाब से निसार सर ने मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड किया। मैं निसार सर के माध्यम से अप्लाई भी किया था। खुशी का बात यह है दोस्तों कि आज वो राज्य पशुधन विकास अभिकरण से अप्रूव होकर आ चुका है। मैं निसार सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और निसार सर से ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिन में वो मेरे को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। तो इस मौके को दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है। जो लोग भी अगर पॉसिबल है बकरी पालन में, जिनको इंटरेस्ट है, जो बकरी पालन करते आए हैं थोड़ी बहुत बकरियों से, तो उनको NLM योजना में आवेदन करना है। इसकी खास बात यह है कि आपको पहले न तो बकरियां खरीदनी है सभी, न आपको पहले शेड बनाना है। ठीक है, आपको जमीन की व्यवस्था, बैंक से लोन के लिए यस और डॉक्यूमेंट रेडी करो और ऑनलाइन आवेदन कर दो। फिर इंतजार करो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, स्कीम आपकी पास हो जाए, पहला पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए, उसके बाद आपको शेड बनाने का काम शुरू करना है, उसके बाद ही आपको बकरियां खरीदनी है। तो ये योजना दोस्तों ऑल इंडिया में बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर हमारे यहाँ पर योजना है, कि ये भारत का ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पर लागू न हो। ये इसके अंदर सरकार की स्कीम है, इसमें भौतिक स्थापन का शुरुआत का जो प्रोसेस है वो राज्य सरकार के हाथ में, वो फाइनल जो पेमेंट वगैरह का देने का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसकी अच्छी बात क्या है, तो ये बहुत सुनहरा मौका दोस्तों, सरकार अब क्या कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा देने वाली है। तो आपको इस वक्त में आवेदन जरूर करना चाहिए, अगर कोई आवेदन करता है तो उसका बेनिफिट आप जान सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसमें कामयाब होंगे। तो अगर आप NLM की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवाना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेना है तो आप अपना ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं निसार इंडियन, और वहां से सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। और भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे गाइड वगैरह ले सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी, जो अंदर की जानकारी है, डीपली जानकारी है, वो आपको शायद कहीं नहीं मिले। बेसिक जानकारी वो मिल जाएगी, लेकिन जो अनुभव, आपको एक्सपीरियंस, जो नॉर्मल जिंदगी में जो समस्या आती है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और भी लोग इस चीज का फायदा उठा सकें। आने वाला भविष्य दोस्तों गोट फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन होने वाला है, और भविष्य में अपने जो गोट फार्मिंग, जो बकरियां हैं, भेड़े हैं, वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट होंगी, ऐसा टाइम भी आएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।